सो हेलो, चलिए ये है बेसिक इंट्रो हमारे रिजॉर्ट का। जीबी को एक्सप्लोर करने से पहले टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आने के लिए अपना सर्च भी करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेन अप मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये बेसिकली हमारा रिजॉर्ट है, जो कि जहाँ हमने लिया है और जिस जगह हमें जाना है उसके एकदम नियर अबाउट है और में। तो आगे हम अपना देखते हैं और उस पर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी डिटेल बताता भी जाऊंगा। तो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली होटल से, अब बाहर जा रहे हैं घूमने। डेस्टिनेशन जो हमारी पहली होगी वो है जीबी, जो यहाँ के दो जीबी में तीन पॉइंट हैं, एक जरोली पास और दूसरा है जीबी वाटर पार्क एंड एक थर्ड इज मिनी थाईलैंड। ये तीन चीज़ें हैं अभी जो मेरे नॉलेज में है, जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के दिन में। तो उसके लिए हमने बैग पैक कर लिया है नहाने धोने के लिए, और हमने यहाँ लोकल में अपना जो जाते हैं उनसे गाड़ी करी है, उसका मैं अपना बता दूंगा इस होटल से। वो अपना मेरे को 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है ज़्यादा ज़्यादा, और हम 4 लोग हैं तो कितना लगेगा वो सब मैं डिटेल आपको रास्ते में बताऊंगा। गाड़ी हमारी खड़ी है जो हमें सीधा ले जाएगी। रेडी चले, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। अच्छा सर ठीक है, चलो भाई। अच्छा ये पीछे रख देते हैं बैग। चलो चलिए भाई, ये बैग तो हम रख देते हैं जिसमें हम लोग ने धोया धोया है। ये मेरी गाड़ी है, यही मतलब कि होटल वालों की। तो फिर 15 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा पहले जीबी मतलब कि वाटर पार्क पड़ता है या मिनी थाईलैंड क्या पड़ता है? अच्छा तो मिनी थाईलैंड में क्या नॉर्मल पानी अपना वो है? अच्छा ऐसा ही है अपना, तो फिर वाटर पार्क चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है ना। नहीं तो ये मिनी अपना थाईलैंड तो ये खोल ही रखा है ना। बाकी अपना सेकेंड में देख लेंगे। तो ये डिटेल थी, चलिए रास्ते में बताता हूँ क्या प्राइस है। और मैं रास्ता अपना दिखाऊंगा ना, तो ऐसा इंक्लाइंड रास्ता है, मतलब कि नॉर्मली बाहर के लोग तो नहीं हमें लगता है चला पाएंगे। बहुत जो ट्रैवलर होंगे वही अपना टूरिस्ट ट्रैवलर वही ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल जो मतलब कि पर्सनल गाड़ी वाले होंगे वो तो नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे ही 40 तो मतलब कि नहीं, तो 35 डिग्री तो है इंक्लाइंड ख़तरनाक। चलिए ओके मिलते हैं पहुँच के, रास्ते में हम डिटेल आपको शेयर करेंगे। सो हमारी सवारी चल रही है और हम लोग अपना पहले हम लोग ने जैसे डिसाइड किया है कि हम वाटरफॉल अपना जाएंगे जीबी वाटरफॉल, जो यहाँ अपना जीबी में मोस्ट फेमस प्लेस है। तो और मैं एक्चुअली इसका प्राइस भी बता दे रहा हूँ जो हम होटल में लिया हुआ है। मुंक्स बाय द रिवर होटल का नाम है और ये यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है जीबी वाटरफॉल, और ये रिवर साइड अपना होटल है और बहुत ही सुंदर व्यू है होटल का। जो अपना रिजॉर्ट है बेसिकली, जो अपना रहना चाहे यहाँ अपना रह सकता है और बहुत ही अच्छा लगेगा उसे। जगह पर्याप्त जगह है, कल ही लग रहा था क्योंकि हम लोग ऐसे आ रहे थे। हाँ अब देख रहे हैं तो अब लग रहा है पर्याप्त जगह है ऐसा। तो हम लोग निकल चुके हैं जीबी वाटर पार्क, पहले वाटर पार्क चलेंगे। भैया कह रहे हैं हमने बात करी और पानी अपना, और जो इन्होंने अपना एक कॉस्टली है हमें वहाँ अपना ड्रॉप करने की 3 जगह, तो वो एक्चुअली 2 जगह की जो वाटरफॉल है और एक मिनी थाईलैंड है उसका 1000 बता रहे हैं, और एक तीसरा जो पास है उसका अपना 2500 बता रहे हैं। तो हमने अच्छा मैं कुछ बेसिक डिटेल पहुंचने से पहले आपको देना चाहता हूँ, जो अपना ये वाटरफॉल है और कहा जाता है मिनी थाईलैंड है, दोनों का अपना कहा जाता है यहाँ एक मिनिमम कॉस्ट लगती है, जो अपना एक मेरे को अपना जैसे सर्च किया है मैंने देखा भी है, तो वो 10 रुपये पर मतलब कि पर्सन है एडल्ट का, और जो मिनी मैंने अपना देखा हुआ है थाईलैंड का उसका अपना 20 रुपये पर पर्सन है। तो टिकट काउंटर है अच्छा यहीं से आ गए, हमें कहाँ मिलेंगे आप? हाँ इधर ही मिलना, नंबर है ना ठीक। चलो भाई ये तो आ गए हम जीबी वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है, जाओ आगे जाओ जल्दी जाओ, वे टू वाटरफॉल।
और ये छोटे छोटे अपना इसका और ये छोटे छोटे शॉप लगी हुई हैं। सो ठीक है, ओके, अब हम लोग अंदर चलेंगे। सो हम आ गए हैं ये जीबी वाटरफॉल। ठीक है, टिकट काउंटर क्या है, एडल्ट 20 रुपीज़, चिल्ड्रेन 10 रुपीज़, इंटरनेशनल गेट्स 50 रुपीज़, वेस्क 20, बच्चे, अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है, सॉरी, नो एंट्री विदाउट टिकट। चलो भाई ये हो गया जीबी वाटरफॉल, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आ जाओ भाई। तो हम लोग जा रहे हैं, ये देखो शॉप। सो अभी हम लोग दिखाते हैं जादू का पिटारा जो अभी थोड़ी देर में खुलेगा। बूम बूम, पहले ले लेते तो फिर। ये बैठने के लिए है, ये क्या है, बोटैनिकल नेम आरिस। ओहो तो बैठो, यूज डस्टबिन देख रहे हो, इको फ्रेंडली डस्टबिन है। पहले अपने यहाँ यही डलिया चलती थी इसी तरह कुछ सामान रखने के लिए। पानी थोड़ा ज्यादा हो जाता, चलो वहां पीने के लिए, ये सब पानी स्वच्छ पानी है कह रहे थे। चलो कॉमन नेम कहूला, ये बैठा हुआ आ रहा है, ये फैमिली आई थिंक ओके। आज की बेसिक डिटेल देखो, पानी कितना साफ है। और मैं कुछ बता दूं कि यहां से जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, वो उससे अपना 200-300 मीटर अपना दूर होगा, जो आप ये देख रहे हैं वुडन के अपना बने हुए हैं रास्ते वहां तक जाने के लिए वाटरफॉल तक। तो हम लोग भी बस ये अपना देखते हुए जा रहे हैं और पहुंचते हैं वाटरफॉल के पास। समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ है, ऐसा जंगल है वाटरफॉल में जाने के लिए जहाँ खुद ही नहीं पता चल रहा है नेक्स्ट मूव कहाँ की ओर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। बस ये वुडन वाले ब्रिज देखते जाओ और पहुंचते जाओ। अरे ये जंगल कैसा खतरनाक लग रहा है, देख रहे हो कितना खतरनाक, मतलब कि पूरा जंगल जंगल है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कहीं खोज वोज के लिए नहीं निकलते हैं, लोग वो वाला सीन लग रहा है कि खोज के लिए निकले हुए हैं। देखो वी आर फ्रॉम द डिस्कवरी। ये अबे ये वाटरफॉल है क्या, चलो भाई देखते हैं क्या है, उम्मीदें ना टूटी है मेरी बस। चलो पहुंच के देखते हैं इसकी, वो 1.5 किलोमीटर भाई ये है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं जीबी के वाटरफॉल में, और ये एक्चुअली देखो सामने जो दिख रहा है वो वाटरफॉल है और वहाँ से पानी बहता हुआ है यहाँ नीचे आता है, बट अभी कोई इस जगह पॉइंट पे नहीं है। और हम थोड़ा सा देख के आश्चर्य भी हैं कि इसे लोग वाटरफॉल को बेसिकली बोलते हैं क्या, मतलब कि इतना रील बनती है, इतना फेमस होता है। अच्छा हाँ, मैंने अपना बात करी है तो मुझे पता चला कि ये अभी इस समय देखो मैं साइड में रील दिखा रहा हूँ कि इतना तेज मतलब कि पानी गिरता है और एकदम साफ ही बहता हुआ जाता है नीचे तक। तो अभी जिस टाइम पे मैं आया हुआ हूँ, मैं जुलाई पे आया हुआ हूँ, तो अभी इतना बारिश नहीं है यहाँ, तो पानी अभी थोड़ा सा स्लो है, बट पास में जाके बहुत तेज़ पानी गिर रहा है। लेकिन उतना जो रील्स में मैंने दिखाया उतना पानी होता तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद आता। तो जिन लोगों को आना है वही अक्टूबर के आसपास अपना आएँ और वाटरफॉल का मज़ा लें। ओके, बाय बाय।